नमस्ते सभी को, मैं साथी दत्ता एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ग्रीन ड्रीम्स एंड साथीज ब्लॉग। एक्चुअली मैं ज़्यादातर गार्डनिंग के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, पर आज मैं थोड़ा अलग वीडियो बनाऊँगी कि बहुत दिनों से एक एक टाइप का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग भी जाता है, साथीज ब्लॉग भी है। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके ब्लॉगिंग जो है मेरे पास, जो मैं मेरा मुझे जो लगेगा कि हाँ ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी थोड़े थोड़े दिन के बाद। ज़्यादातर के मेरे वीडियो जो आते हैं वो गार्डनिंग के ऊपर होते हैं, आप लोग शायद वॉच किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ जाइए मेरे जो पहले वाले जो वीडियो है वो देखिए और उसका कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा है। ओके, लेट्स गेट द वीडियो। मैं आज जो दिखाने वाली हूँ वो है 10 डिज़ाइनर ब्लाउजेज जो मैंने ख़रीदा हुआ है मीशो ऐप से। मीशो ऐप को हम लोग को सभी को मालूम है, जो ये इंडिया का पहला और सबसे सस्ता ऐप है, जिसमें सभी लोग ऑलमोस्ट सभी लोग खरीदारी करते हैं। ये सेलर भी सेल करते हैं, यहाँ पे बायर्स भी खरीदते रहते हैं। तो हम दिखाएंगे कि 10 जो डिज़ाइनर ब्लाउजेज हैं वो कैसे हैं, और इसका जो प्राइस है वो मैं वीडियो में मेंशन करती रहूँगी। आप थोड़ा थोड़ा धीरज रख के हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आपने मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। वो जो छोटू सा बेल आइकन है उसको प्रेस करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए। ये वीडियो मैं हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि ये जो मीशो का जो ऐप है ऑल ओवर इंडिया में चलता है और सभी को हिंदी जो लैंग्वेज है वे समझ में आती है। मैं हालांकि मैं बंगाली हूँ, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, पर मेरी शादी हुई है आसानसोल में, और मैं मेरे बारे में मैं एज अ पर्सन मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं वीडियो कंटेंट भी करती हूँ। मेरा फेसबुक इंस्टा हैंडल भी है जहाँ पे मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, और यूट्यूब पे मैं भी मेरी जर्नी जस्ट स्टार्टिंग हुई है। आप लोग थोड़ा सा मुझे प्यार दीजिए, और ज़्यादा मैं बकबक नहीं करती हूँ, वीडियो को मैं लेके जाती हूँ क्या क्या मेरे पास डिज़ाइनर ब्लाउजर्स है वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। चलिए लेट्स गेट द वीडियो। हेलो, मेरी हिंदी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आगे जो मैं मेरी जो वीडियो आने वाली है उसमें आप जुड़े रहिएगा। यहाँ तो वीडियो लास्ट तक देखिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी लेना है कौन सी नहीं लेना है और कैसा लगता है पहनने के बाद, वो भी अगर मेरे पास पिक्चर होता है तो मैं यहाँ पे पॉपअप कर दूँगी। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, ये मैंने लिया है एक येलो कलर का। ये हम लोग ने सभी देखा हुआ है कि मीशो ऐप खोलने से जो डिज़ाइनर ब्लाउज के जो सारे लिस्ट आते हैं ये ऊपर होते हैं, ये वाला। हाँ, ये करीबन 269 समथिंग के हुए होंगे। ये मैंने पहना नहीं है अभी तक, ये स्लीवलेस है और इसके साथ नहीं, इसके साथ कोई स्लीव्स नहीं आया है। तो ये वाला जो है देखिए कितना खूबसूरत सा, ये चमकीला, मतलब ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। मैं मुझे लगता है कि मैं ये ग्रीन वाला भी ले लूँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। मतलब पहनने के बाद आपको एक एक सुंदर सा लुक देता है। आप ब्लू या रेड या ग्रीन के साथ भी ये पेयर अप कर सकते हैं, या ब्लैक के साथ भी आप पहन सकते हैं। सरस्वती पूजा के दिन भी आप ये वाला पहन सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि ये पहनने के लिए। तो चलिए ये वाला हम रखते हैं, सेकेंड वाला दिखाते हैं। सेकेंड जो है ये है ब्लैक का। ये हम लोगों ने लगभग सभी के पास एक एक करके होंगे किसी ना किसी कलर के, इसमें सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सारे कलर्स आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ये देखिए थोड़ा डीप नेक है, अगर आप लोग डीप नेक पहनने में प्रॉब्लम है तो ये वाला ब्लाउज आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी ब्लाउजेस है जो ऐसे स्लीव्स में आते हैं, और इसका गला जो है वो इतना कटा हुआ नहीं आता है। मैंने जब ख़रीदा था मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना डीप होगा। तो ठीक है, अगर आप साड़ी यहाँ से पहनते हैं यहाँ से तो ये वाला दिखाई नहीं देगा, तो सी थ्रू साड़ी के साथ पहनेंगे तो ये थोड़ा दिखाई दे सकता है। इसका बैक में भी ऐसा है, बैक में भी ऐसा है। मैंने जो है मैंने ये वाला ना अटैच कर लिया, क्योंकि ये जो है ना आप भी अटैच, ये जो है ना ये
इधर से ना ओपन हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है ब्लाउज को कैरी करने में। तो ये वाला अगर रहेगा तो स्लीवलेस में क्या होता है, वो थोड़ा गला बड़ा होने से वो खुल जाता है। तो ये वाला रहेगा तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। और मैंने ये जो स्लीव्स है मैंने अटैच कर लिया है, ये वाला देखिए थोड़ा यहाँ तक आता है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। बहुत ही मतलब प्रीटी सा लुक देता है, एक क्लासी लुक देता है। तो इसका प्राइस मैं भी टैग कर दूंगी, अभी तो मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ पे दे मेंशन कर दूंगी, आप थोड़ा प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके ये हो गया। अब आते हैं थर्ड ब्लाउज में, सेकेंड वाला तो हो गया है, थर्ड ब्लाउज जो है ये वाला है। ये वाला बहुत ही प्रिटी और बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पे जो है देखिए ये वाला लेस लगा हुआ है और ये जो है ये कुछ सीक्वेंस का काम किया हुआ है। पार्टी वेयर में है, आप शादी में जा रहे हैं या लहंगा के साथ प्यार कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा सा रहेगा। और आपको जो है मतलब बैग भी दिखा देती हूँ, थोड़ा बैग में है ऐसा। ये वाला यहाँ पे नेट का है, ये वाला सी थ्रू होगा, ये वाला सी थ्रू होगा। आप चाहे तो इसको स्लीवलेस पहन सकते हैं, ये स्लीवलेस आता है इसमें, शायद स्लीव थे मुझे याद नहीं, छोटा सा स्लीव था पर मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा लिया है क्योंकि ये नेट का है तो होता है ना प्रॉब्लम हो जाता है। आप स्लीवलेस पहन भी रहे हो और आपके यहाँ पे भी स्लीव अटैच नहीं है और ये भी सी थ्रू है तो दोनों एक साथ मैं कैरी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने ये अटैच कर लिया। और इसमें भी बहुत ही अच्छा सा लुक देता है, पार्टी में जाइए शादी में जाइए, लाइट कलर साड़ी के साथ पहनिए, ब्लैक के साथ पहनिए, सिकन साड़ी के साथ पहनिए, किसी में भी पहनिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये वाला पैडेड है, सारे के सारे पैडेड ही है, ये वाला भी पैडेड है यहाँ पे, तो पैडेड इतना अच्छा तो नहीं है पर चल जाता है, ठीक है। ये मैंने लिया है, मेरे जो साइज है वो 36 का है तो मैंने ये वाला ब्लाउज लिया है। ओके फोर्थ ब्लाउज में आते हैं, ये वाला मैंने सबसे जब मीशो ऐप डाउनलोड किया था, मैंने तो नहीं किया था, मेरे बच्चे ने कर दिया था, तो तब सबसे पहले मैंने ये वाला लिया था। मुझे कुछ 300 समथिंग कुछ प्राइस था, 356 और 369, तो ये मुझे 100 रुपीज़ ऑफ आया था। ये वाला बहुत ही मतलब लहंगा के साथ तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है। ये नीचे जो है ये फ्लोरल है, मतलब ये फ्लोरल सा दिया हुआ है और ये वाला यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है, जैसे आप लहंगे के साथ पहनेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। ये साड़ी के साथ थोड़ा ऐसे नीचे करके जो पल्ला ऊपर उठाते हैं वो वैसे करके या डिज़ाइन के साथ, अभी तो साड़ी बहुत तरह के पहनते हैं तो वो भी अगर पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके साथ स्लीव्स आते हैं, मैंने स्लीव लगाए नहीं है, मैं लगा लूँगी, और ये इसमें दिया हुआ था, मैंने कुछ लगाया नहीं पर ये पहनने में बहुत ही प्रीटी सा लुक देता है। ये शायद आपका जो पेट है ये ढक जाता है, मतलब लहंगे के सब बहुत अच्छे से चल जाता है। ये वाला हो गया, अभी आते हैं पांच नंबर पे। अच्छा ये वाला है ग्रीन वाला स्लीवलेस, ये इसका नेक जो है थोड़ा ब्लैक की तरह बड़ा नहीं है, ये एकदम परफेक्ट माप देता है। ये 36 का है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ये स्लीवलेस है। इसके साथ भी छोटू सा स्लीव आता है, अगर चाहिए तो आप लगा सकते हैं अगर स्लीवलेस पहन आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है। और ये इसका बैक है, और मैंने ये ना कुछ ऐसे अटैच किया हुआ है, मैंने बोला था कि कुछ अलग बनाने के लिए ना ये लोग ना मतलब टेलर जो है वो समझ में नहीं आया, इसका फिनिशिंग भी अच्छा नहीं किया तो मैं इसको बाद में ठीक कर लूँगी। मुझे जितना लगा मुझे इतना सा चाहिए था वो लंबा कर दिया है, इसको मैं कट करके यहाँ से लगा लूँगी तो ये पीठ के ऊपर ऐसा गुच्छा होकर रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके फोटो मैं आपको दिखा दूँगी और इसका प्राइस भी मैं पॉपअप करती रहूँगी। ये वाला इसका मटेरियल भी बहुत कंफर्टेबल है, कभी छुपता नहीं है कहीं पे। ओके ये वाला हो गया, अब आते हैं, ओहो सारे के सारे गिर गए। अब आते हैं ये ब्लू के बाद, ये तो मतलब पूछो ही मत, मैंने इसको स्लीव्स लगाया हुआ था, मतलब ये इसमें स्लीव्स यही छोटे वाला सा ही आता है स्लीवलेस में, अगर आपको इतना छोटा स्लीव्स नहीं पसंद है तो। ये मैंने पहना था तो बहुत खूबसूरत लगा, मैंने एक बनारसी के साथ पहनी थी, मैं मेरे शादी का था वो, तो उसका जो ब्लाउज था वो छोटा हो गया था तो मैंने इसको मंगवा लिया और एकदम बिल्कुल परफेक्ट, वो भी सिल्वर का वर्क किया हुआ था, ये भी सिल्वर का वर्क किया हुआ है, ये गोल्डन नहीं है सिल्वर है, और ये असली मिरर है, ये फॉल्स मिरर नहीं है, असली मिरर है इसका।
फ्रंट ऐसा है और इसका बैक भी ऐसा है। तो ये हो गया। ये आप व्हाइट साड़ी के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, या ब्लू के साथ भी, या आप ऑरेंज के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा है। इसका प्राइस मैं अभी टैग कर दूंगी, आप देख लेना। ओके, अभी जो वाला अभी जो आएगा वो है सबसे ज्यादा चलने वाला ब्लाउज। जब मुझे लगता है ये ब्लाउज ना हर किसी के पास होगा, मतलब ये मैं दिखा रही हूँ कि शायद किसी ने लिया नहीं होगा उनके लिए, मगर मुझे लगता है कि 80% लड़कियों को ये वाला ब्लाउज पसंद है, ये वाला ले भी ले होंगे। ये वाला देखिए, ये सब मिरर देखिए, और ये जो है ना सब असली मिरर है, इसलिए इतना खूबसूरत लग रहा है। इसका बैक है ऐसा, कितना खूबसूरत पेटी सा है ना। ये ज्यादा बैकलेस तो नहीं है, वो सारे जो थे थोड़ा थोड़ा बैकलेस थे, ये वाला नहीं है। ये वाला एकदम सिंपल सा है, मैंने स्लीव्स अटैच कर लिया है, आप चाहे तो स्लीव नहीं लगा सकते। इसके ये चौड़ा जो जितना है ना ये ठीक है, मतलब ये पहन सकते हैं आप। अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं लगता तो पहन लीजिए। तब मैं स्लीवलेस इतना नहीं पहनती थी, तो होता है कि सारे स्लीवलेस होने से वो घर घर में जो फंक्शन होता है या पूजा के जो आइटम फंक्शन होते हैं वो उसमें पहनने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने लगा लिया है। मैंने ये जो पहना था ये व्हाइट साड़ी के साथ पहना था, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। देखिए आप पहनेंगे ना तो सभी नजर आपके ऊपर ही जाएंगे। ये ब्लू साड़ी, येलो साड़ी, व्हाइट साड़ी, ब्लैक साड़ी, सभी के साथ ये बहुत खूबसूरत सा लगता है। मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना। ओके, ये मैंने हाल ही में लिया है, ये देखिए ब्लैक कलर का। ये भी कितना खूबसूरत है, ये भी पैडेड है। अच्छा वो वाला जो मैंने दिखाया नहीं, ये वाला भी पैडेड ही है, ठीक है। ये जो ये वाला है ये भी पैडेड है, और ये भी पैडेड है, और सारे के सारे जैसे कि डिजाइनर ब्लाउज होते हैं ये बैकलेस इतना होता है कि इसको पैडेड देना पड़ता है। अगर आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, अच्छा सा लगा भी सकते हैं। मैंने बहुत सारे का अच्छा सा लगा लिया है। ये वाला भी देखिए, ये ब्लैक और गंजा के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो व्हाइट साड़ी के साथ भी ये पहन सकते हैं, रेड साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं, किसके साथ भी ये पहन सकते हैं। इसका मुझे प्राइस आया था, मैंने ये डिस्काउंट में लिया था, मतलब तब पता नहीं कि वो प्राइस ड्रॉप हो गया था। ये 346 का था, तो मैंने ये लिया शायद 256 में। यस, मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब देना नहीं पड़ा था, पता नहीं क्या सेल चल रहा, मैंने ले लिया ये वाला लिया। और इसका ही जैसा मैंने एक लिया है व्हाइट वाला, ये वाला जो व्हाइट ऑर्गेन्जा होता है मुझे बहुत पसंद है, व्हाइट कलर का बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये व्हाइट वाला लिया है। इसका थोड़ा डिज़ाइन अलग है, यहाँ पे जो है ये वाला मतलब यहाँ पे स्टिच किया हुआ है, आपको देख लीजिए ये वाला। और इसका बैक आएगा ऐसा, ठीक है। ये भी पैडेड है, और शायद 9 नंबर वाला ब्लाउजेज है वो है ये, दिखाइए ये वाला। ये इसका तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत कंफर्टेबल है। ये जो है ये जरी का काम किया हुआ है। अगर मतलब आपका साड़ी थोड़ा डल है तो ये ब्लाउज के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसमें 5-6 कलर आते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये वाला शायद ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया होगा, पर पहनने के बाद बहुत ही अच्छा सा लुक देता है। इसका बैक देख लीजिए, इसका बैक तो क्या ही कहूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम माधुरी दीक्षित के जैसा लगेंगे आप पहनने के बाद। और देखिए है ना, यहाँ पे सिलाई किया हुआ है, इसमें हुक भी है। अगर सिलाई को आप खोल सकते हैं तो चाहे तो खोल सकते हैं, अगर ऐसे जो जैसे टी शर्ट पहनते हैं वैसे पहन सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये वाला देखिए बहुत ही खूबसूरत है, डिटेलिंग मतलब यहाँ पे जो काम किया वो बहुत डिटेल के साथ काम किया हुआ है, बहुत खूबसूरत प्यारा सा लग रहा है। ये वाला ये पैडेड है, इसमें इनमें भी पैड दिया हुआ है, क्योंकि ये बैकलेस है तो पैडेड तो दिया हुआ ही होगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत है। और जो लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, दिस इज ब्लैक, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट, हाईली रिकमेंडेशन है ये सारे ब्लाउजेस, पर ये तो आप लीजिए लीजिए, क्योंकि ब्लैक कलर का साड़ी सभी के पास होता है, और जो सीक्वेंस में काम किया हुआ है वो वाला पहनने से मतलब क्या ही लगते हैं लड़कियाँ। ओहो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये ब्लैक वाला ले लीजिए, बहुत ही बहुत ही बहुत
मतलब हाईली रिकमेंडेशन है मुझे इस ब्लाउज में। मैंने मतलब कुछ ही से मैं तो सोच ही नहीं थी कि इतना अच्छा आएगा। ये वाला इसका बैक है और ये पैडेड है। पैडेड इतना अच्छा तो नहीं है, अगर चाहे तो रिमूव कर सकते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं। ये सारे के सारे जो मैंने ब्लाउजेस दिखे हैं वो 36 के हैं, कि मैं 36 का पहनती हूँ। 36 मैंने मंगवाया है, पर थोड़ा सा इसको अल्टर करना पड़ता है क्योंकि मैं 34 का ब्लाउज पहनती हूँ और यहाँ पे कपड़ा भी दिया हुआ है, सभी के अंदर कपड़ा दिया हुआ है। ये थोड़ा सा कपड़ा है और ये भी इसका स्लीव्स भी है। आप चाहे तो स्लीव लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। मैं जो करूँगी इसके साथ स्लीवलेस पहन के देख लूँगी, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा जो लॉन्ग का है जो इतना सा आता है वो वाला स्लीव्स में लगा लूँगी। मुझे वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगे हैं। नहीं हाँ देखिए, ये मैं मुझे पड़ा है कितने में, 268 समथिंग। ओ भाई, मैं वीडियो में मैं मुझे याद नहीं रहता है तो मैं लगा दूंगी आपको ये प्राइस कितना है, ये पॉपअप होता रहेगा। आप प्लीज़ इग्नोर माई वॉल बिकॉज ये मैंने मेरे बेटे का काम है, जो मतलब उसको पूरा घर चाहिए होता है पेंटिंग करने के लिए। तो ठीक है, तो ये वाला जो है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा 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 सा है। तो ठीक है, अभी रखते हैं, ये वाला खत्म हो गया 10 के 10। मैं रिकमेंडेशन करूंगी सभी लड़कियों को कि ये वाला ये जो 10 ब्लाउजेस मैंने दिखाई है वो सारा खरीदे पहने, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सब। जो ब्लाउजेस है, जो डिजाइनर ब्लाउजेस है, ये नॉर्मल ब्लाउज से है नहीं। और क्या ही कहूँ मैं इस क्लिप के साथ। ओके, तो मेरा जो वीडियो है वो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मुझे मालूम है, आप एंड तक रहने के लिए धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। ये वीडियो मेरे हिंदी में है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बंगाली में बात करूँगी क्योंकि मैं बंगाली हूँ। मेरी हिंदी थोड़ी इधर उधर हो सकती है तो मैंने पहले बता दिया था, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जो जहाँ पे है वो खुश रहे, हैप्पी रहे। बाय बाय।